डिवोर्स के डिस्कशन के लिए पूरी रात लग गई तुम्हें शुभ्रा के घर, ऐसा क्या डिस्कशन चल रहा था तुम्हारा? शुभ्रा से डिस्कशन करते करते लेट हो गया, और मैंने कहा था ना सेलिब्रेट करना था मुझे, तुमने तो मेरी खुशियों पर पानी फेर दिया था। सो सेलिब्रेशन? हाँ, व्हाट डिड यू डू? अरे यार सैम, मेरा तो कल पीने का मूड था, और तुम्हें तो पता है यार वो घर कितना मिडिल क्लास है, ना बार है ना हमारी वाली शैंपेन, तो मैं तो अपने साथ ही लेकर चला गया था। लेकिन शुभ्रा जो है वो घर पहुंचते ही बोली कि नहीं, बच्चों के सोने के बाद ही पी सकता हूं मैं। ठीक है, इंतजार करता रहा मैं बच्चों के सोने का, और इंतजार करते 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 आधी रात तो बस ऐसे ही निकल गई। ओए सैम, बात की तो बात ही कुछ और होती है, पर मैंने भी फायदा उठा लिया। फायदा? कौन सा फायदा? मैंने ना शुभ्रा को धोखे से थोड़ी पिला दी, और पीने के बाद शुभ्रा को जो चढ़ी है, मतलब 12 साल पहले वाली शुभ्रा जैसे जाग गई हो। 12 साल पहले वाली वो हर बात एक नए सिरे से दोहरा दी हमने। हर बात? कौन सी बात? कौन सी बात? बेबी, अब हर बात मतलब हर बात। कल रात जो कुछ भी हुआ ना, पुरानी यादें ताजा हो गई हो ऐसा लगा। मतलब क्या है तुम्हारा? I'm sorry बेबी, पर कल रात को ना मैं और शुभ्रा खुद को रोक ही नहीं पाए। बस बहते चले गए, चले गए। वो 12 साल पहले 20 बरस की शुभ्रा और मैं। How dare you? क्या क्या कर रही हो? Dare what? थप्पड़ खा लूं? लीगली ना सही, पर 7 महीने ले चुके हो तुम मेरे साथ दिया, मैरिड डैमिट। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की? हाँ? अब सैम होता है, एक वीक मोमेंट था, मैं फिसल गया। अब देखो, जब तुम्हारे साथ हुआ तभी मैं मैरिड था ना, राइट? हो गई गलती। कुलदीप चड्ढा, शुभ्रा नहीं हूं मैं, सैम हूं, समझे तुम? पर सैम मैं कुलदीप ही हूं ना, आदमी हूं, हमारी तो फितरत में ही यू नो, अब गलती हो गई भूल जाओ। बट आई प्रॉमिस यू दोबारा ना, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ओके, आई प्रॉमिस यू बेबी। अब मैं ना बहुत थक गया हूं, हैड अ लॉन्ग नाइट, अंदर जाके आराम कर रहा हूं मैं। गुड नाइट। गुड नाइट फिरकी। दीदी जा यहां से। हाय दीदी। दीदी हमने क्या किया? दीदी अब आप भी ना लो।